को ये परेशानी आ रही थी कि किराने वाले दुकान के पास जो स्टॉक था वो खत्म हो गया और वो लेने जा नहीं रहे लोगों को ये परेशानी आ रही थी कि किराने वाले दुकान के पास जो स्टॉक था वो खत्म हो गया और वो लेने जा नहीं रहते हैं जो बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए व्यवस्था करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। बट अभी कुछ ये जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दूं, कुछ कॉल आया था सुबह कि माधुरी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रक्स के पास ट्रक वाले बैठे हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हमने टीम भी वहां पे भेजी। अब ये गलत फहमी वाली बात है, एक्चुअली किसी का भी मंशा गलत नहीं था, बट हुआ ये वो ट्रक्स थे, हमने जाके उनसे बात करी, ये वो थे जो गुड्स ट्रक हैं, वो पंजाब से गेहूं लेके आए हैं और पंजाब वापस जाने वाले हैं और उनके पास सामग्री थी। उन्होंने कहा हमने कंप्लेन ही नहीं किया और उसका वीडियो हमने लिया है ताकि ये थोड़ा सा हमें भी क्लियर रहे। तो ये थोड़ी सी प्लीज, अब जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उस मेडिसिन की स्टॉक हमारे सप्लाई में बिल्कुल पूरी है, कोई कमी नहीं है। हमारे जो दो पेशेंट्स यहाँ एडमिटेड हैं उनकी जो ट्रीटिंग स्टाफ है वो दवाई पर्याप्त मात्रा में ले रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो तीन लोगों से मैंने पर्सनली कल ही बात करी है। ये जनरल पब्लिक को लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज ये मैसेज आप भी इसको आगे करें। ये सिर्फ ट्रीटिंग कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारियों और डॉक्टरों के लिए है, जो नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर्स के लिए जो पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से एक्स्ट्रा मेडिसिन हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। बट मैम एडवाइजरी जारी हुई, काफी वायरल भी हो रहा है, ट्रंप ने भी इसको कहा था और भारत ने भी इसके निर्यात की मतलब रोक लगा दी इसके निर्यात पर, इसके बाद ब्लैक हो रही है इस मेडिसिन की। देखिए मेडिसिन कोई भी लेना है डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। अगर किसी डॉक्टर ने लिख के दिया है और वो पर्ची आपके पास है उसके बाद वो दवाई नहीं मिल रही है तो मुझे बताइए। साथियों दो अपील आपके माध्यम से करना चाहेंगे। एक तो कल गंगौर से रिलेटेड घाट पे जो पूजा होती है उस पर हमने प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी समस्त अपने मोहल्लों के अंदर हमारे थाने की गाड़ियां, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और प्रशासन के भी लोग मिलकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि महिलाएं जो रीति रिवाज है वो विधि विधान पूर्वक अपने घरों में करें, घाट पर कल परमिटेड नहीं रहेगा अर्ली मॉर्निंग में। तो एक तो ये भी हम आपके माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे। दूसरा अपने जो कल की जो नमाज थी उसमें भी हमने अपने इनके अधिकारियों सदर से बात करी है, उन्होंने भी एश्योर किया हम भी इसकी पालना करवाएंगे डेफिनेटली कि भीड़ किसी भी हाल में गैदर नहीं हो। 144 जो इन प्लेस है उसको एनफोर्स किया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार से एक और डायरेक्शन आए थे जो पहले से भी हमारी तरफ से क्लियर थे कि जो मालवाहक गाड़ियां हैं, गुड्स की जो ट्रेन हैं और गुड्स के जो ट्रक्स हैं उनका मूवमेंट हैजल फ्री है, उनमें किसी तरह की रोकथाम नहीं है। आपके माध्यम से फिर एक बार क्लियर कर रहे हैं कि गुड्स के मूवमेंट रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की बंदिशें नहीं है, वो गाड़ियां मूव कर सकती है, हाईवे को सिटी में मूव कर सकती है। इसके अलावा एनफोर्समेंट है, लॉकडाउन हम पूरी तरीके से पालना करा रहे हैं। अब तक करीब 6 FIR इस मामले में दर्ज हुई है, 11 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है, 1000 के करीब हमने व्हीकल्स भी सीज किए हैं। डे बाई डे देखा होगा आपने कि पर डे जो नंबर ऑफ व्हीकल सीजर है वो डेफिनेटली घटते घटते आया, तो अब एनफोर्समेंट काफी मजबूत हो चुका है। फिर एक बार आप लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि भाई इसको प्रशासन को इसमें सहयोग करें पूरी तरीके से और अपने आप सुरक्षित रहें।